करनाल जिला जेल में बंद किसान मजदूर नेता नवदीप कौर से मिलने वालों का सिलसिला जारी है। आज मंगलवार को भी पंजाब से आम आदमी पार्टी के विधायक व अन्य कार्यकर्ता नवदीप कौर से मिलने के लिए जिला करनाल जेल पहुंचे। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के विधायक हरपाल चीमा, विधायक सरबजीत कौर मानुके और आप युवा महिला लीडर अनमोल गगन मान नवदीप से मिलने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जेल में बंद नवदीप कौर से उन्हें मिलने नहीं दिया गया, जिसके चलते उन्हें बिना मिले ही यहां से लौटना पड़ा। इस दौरान आप विधायकों द्वारा खट्टर सरकार को हिटलर की सरकार बताया गया। उन्होंने कहा कि नवदीप कौर हमारी बेटी है, वह उससे मिलने के लिए आए थे, लेकिन कोरोना का बहाना बताकर उन्हें मिलना नहीं दिया गया। चीमा ने कहा कि पंजाब के मुख्यमंत्री को हरियाणा के मुख्यमंत्री से बात करके नवदीप को बाहर निकालना था, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री अपनी ड्यूटी निभाने में फेल साबित हुए। विधायक हरपाल चीमा ने कहा कि पीएम मोदी पूंजीपतियों का पीएम है और इनमें पूरी तरह से आज हिटलर की आत्मा आ चुकी है। आज देश का किसान कह रहा है कि काले कानून रद्द करो, लेकिन पीएम मोदी ऐसा नहीं कर रहे। वहीं उन्होंने कहा कि नवदीप कौर को अगर कोई भी सहायता चाहिए होगी, चाहे वो कानूनी हो या दूसरी, उसकी मदद के लिए हम तैयार हैं। बताते चले कि नवदीप कौर का मुद्दा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गरमाया हुआ है। सिंघू बॉर्डर पर अलग अलग तीन मामलों में नवदीप कौर के खिलाफ मामला दर्ज है, जिसके बाद वो करनाल जेल में बंद है और ऐसे में अलग अलग नेता आकर नवदीप कौर से मुलाकात करना चाहते हैं। देश के आम नागरिकों का इदा तंग कर रहे हो, एक कुड़ी नू सानू हुण अंदोलन च बैठने वाले लोगों नू जे कोई अंदोलन दे विच आवाज चकदा ते हुण इस तरीके डकणगे। अच इक नवदीप नू दबाया, कल नू ए होरां नू भी दबाउणगे। मैं पंजाब दे लोगों नू कहिंदी आ इस दर ते आ के खड़े हो, बारी बारी मिलण आओ नवदीप नू, तां कि इहनां नू पता लगे भी असी ए इदां दा जिहड़ा तुहाडी गुंडागर्दी है, इस तरीके तुसीं सच दे लई आवाज चक्कण वाले बंदे नू, एक मजदूर दी कुड़ी नू चक सकदे? कल नू इह तुहाडियां धीआं वी जे अंदोलन च जाके बहिंदियां जां कल नू ओह हक सच लई डटदियां तां किसे दी वी धी उत्ते गल आ सकदी आ। अज गल सिर्फ नवदीप दी नहीं आ, अज नवदीप दी आवाज दबी आ, कल नू कोई नवी नवदीप पैदा नहीं होणी जे अज इहदी इहनू आपां इंसाफ ना दवाया। सो जरूरत इह आ भी आ के असीं नवदीप दे हक च खड़ीए, ते जिहड़े पुलिस प्रशासन सानू रोक रहे ने, मैं पूरे पुलिस प्रशासन नू पुछदी आ हरियाणे दे नू कि भरावो तुहाडे थाने तुहाडी वर्दी तुहाडी हर एक चीज़ सरकारी पैसा जिन्ना भी हुंदा लोकां दे टैक्स चो जांदा, लोक दिंदे ने। इन्हां लीडरां दीआं गड्डियां महल भी लोकां दे टैक्स चो बणदे ने। जदों तुसीं वर्दी पाउंदे हो तुसीं संविधान दी सौं खांदे हो भी असीं लोकां लई खड़ांगे, ना कि जे तुहानूं कोई भी लीडर आ जे तुहानूं गलत आदेश दिंदा, तुहानूं धक्काशाही गुंडागर्दी करन दा आदेश दिंदा, तां तुसीं चैलेंज कर सकदे हो कि मैं नहीं मनणा, मैं मेरे लोकां दे नाल आ, मेरी वर्दी मैनूं अलाउ नहीं करदी इदां दा दगा करना। पर गल की आ, सारे मिल गए, उन्होंने लगता भी ये देश दे विच समता हूँ कि वो मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ती है, मजदूरों के अधिकारों के लिए जो पूरे देश में उसने संघर्ष शुरू किया हुआ है, और वो किसानों के संघर्ष में दिल्ली में जहाँ सिंघू बॉर्डर टिकरी बॉर्डर वहाँ पे वो प्रोटेस्ट में शामिल थी, वहाँ से उसको उठा के उसके ऊपर बहुत सारे झूठे मनगढ़ंत जो केस है उसको डाले गए और उसको जेल में बंद किया गया, उसके ऊपर थर्ड डिग्री टॉर्चर किया गया, उसके साथ उसके शारीरिक शोषण भी हुआ। उसने जो बोला है उसका जो पटिशन से सामने आया उसके केसों से सामने आ रहा है। सो हम पंजाब के लोगों ने हमें ड्यूटी दी है, पंजाब के लोगों ने हमें ये बल बख्शा है कि हम पंजाब के लोगों की सुरक्षा करें, हमारी ड्यूटी बनती है। क्योंकि पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब बुरी तरह फेल हुए हैं, उन्होंने खट्टर साहब से बात करनी थी, उन्होंने हरियाणा के सीएम साहब से बात करनी थी और बात करके इस बच्ची को छुड़ाना था, पर लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन साहब अपनी ड्यूटी निभाने में असफल रहे और आम आदमी पार्टी का पूरा वफद हमारे साथ, सरबजीत कौर मानुके जी जो हमारे डिप्टी लीडर हैं पंजाब विधानसभा में, हमारे साथ गगन अनमोल मान जी जो हमारे यूथ विंग के वाइस प्रधान हैं, हम पहुँचे हैं उस बच्ची की आवाज़ सुनने के लिए, उस बच्ची के दर्द को देखने के लिए, ताकि हम अदालत में जहाँ भी हम पहुँच कर सके वहाँ उसकी मदद कर सके। पर लेकिन हम यहाँ खड़े हैं, हमने अपनी एप्लीकेशन भेजी है प्रशासन को कि हम उस बच्ची को मिलना चाहते हैं, देखते हैं क्या करते हैं, हम यहाँ बैठे हैं, जब वो ऑर्डर करेंगे उसके बाद हम उस बच्ची को मिलेंगे। उनकी बेल रिजेक्ट हो रही है, तो आप किस तरीके से न्यायपालिका में उनका जो है साथ देने का प्रयास करेंगे? देखिए, नीचे से मेरे को तो ऐसा लगा कि उसकी बेल हो रही है, जब जहाँ रिजेक्ट भी होगी तो जहाँ रिजेक्ट करेगी कोर्ट उसकी ऊपर वाली कोर्ट में हम उसको अपील करेंगे, जो नेक्स्ट कोर्ट है अपीलेट कोर्ट है उसमें हम अपील करेंगे। हमारा पूरा एक लीगल का एक बफर जो है उसके लिए डिप्यूट किया गया है, हम उसकी पूरी लीगल मदद करेंगे। सर कैसे
अलावा भी और ऐसे कई यूथ हैं, कई ऐसे लड़के हैं, लड़कियां हैं जिन्हें आरोप लग रहे हैं कि उन्हें भी हिरासत में रखा गया। बिल्कुल बिल्कुल, हम पूरे देश में जहां भी कोई भी बच्ची, कोई भी बच्चा, कोई भी हमारा युवा नेता, कोई भी हमारा नौजवान यहाँ भी इस आंदोलन की आड़ में, इस आंदोलन के, मैं समझता हूँ ये इसको फेल करने के लिए बीजेपी और जो कांग्रेस है जो मिलके इन बच्चों को पकड़ रहे हैं, उनके उनके लिए हम लीगल मदद भी करेंगे, उनको कानूनी सहायता भी देंगे। हमारी दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, जितने भी लोग दिल्ली में तिहाड़ जेल में बंद हैं या कहीं और जेल में बंद हैं, वहाँ पे हम उसकी पूरी उनको जो है सहायता दे रहे हैं। तो सर पंजाब को कैसे देखते हैं, क्योंकि किसानों में भी गुस्सा है, जैसे चुनाव थे पीछे और आगे जो चुनाव है, क्योंकि किसान आंदोलन में किसानों में बहुत गुस्सा दिख रहा है, और कैसे देखते हैं पीएम मोदी और जो देखिए देश का प्रधानमंत्री साहब मोदी साहब बुरी तरह फेल हो चुके हैं, बुरी तरह असफल हैं वो। आज देश का किसान, पूरे देश का किसान आज सड़कों पे है, दिल्ली के बॉर्डर पे है, क्या मांग कर रहा है कि तीन काले कानून जो किसानों की मौत के ब्रंट हैं उनको तुरंत रद्द किया जाए, और वो रद्द करने नहीं कर रहे, वो बार बार उनके फायदे गिना रहे हैं। पर लेकिन देश का किसान समझ चुका है, देश का किसान जान चुका है, देश का खेत मजदूर जान चुका है कि जो तीनों काले कानून हैं, जो तीनों काले कानून हैं उनके मौत के ब्रंट हैं, उनके फांसी का फंदा है। तो इसीलिए देश का प्रधानमंत्री, मैं समझता हूँ वो पूंजीपतियों के हाथों में बिक चुका है, देश का प्रधानमंत्री बड़े बड़े जो बड़े बड़े कॉरपोरेट सेक्टर के अदारे हैं उनमें बिक चुका है और आम जनता को मरने के लिए मजबूर कर रहा है। सो ये देश का किसान जब खड़ा होगा, क्योंकि देश जो है वो किसानों के ऊपर निर्भर करता, देश में सबसे पूरे देश में एक ही नारा लगता है कि देश हिंदुस्तान जो भारत जो देश है ये खेती बाड़ी पर चलता है, ये एग्रीकल्चर बेस्ड देश है। सो इस देश को जब एग्रीकल्चर सिस्टम को आप तबाह कर दोगे देश कैसे बचेगा। तो आज ऐसे लग रहा है कि देश में बीजेपी की सरकार में पूरे हिटलर साहब की, हिटलर की जो है, हिटलर की आत्मा प्रवेश कर गई है, वो किसी को सुनते नहीं है, किसी की बात नहीं करते। आज हम उस बच्ची को मिलने आए हैं जो पंजाब से है, हमारे पर अलानी एमरजेंसी थोप दी गई है कि हम एक जेल मैनुअल के तहत हम कानून के तहत, हम संविधान के तहत उस बच्ची को मिलने आए हैं, पर लेकिन यहाँ पे हमें रोक दिया गया है। हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं क्या प्रशासन फैसला लेता है। जेड़ा दिशा रवि की आप गल करिए, दिशा रवि ये देश का लोकतंत्र इन्ना कमजोर है कि एक कुड़ी के ट्वीट तो ही डर गया। दिशा रवि एक बच्ची है जिन्हों चक के इन्होंने जेल के सुटिया, इतने नौदीप नू रखा होया करनाल जेल के, मैं समझ नहीं आती भी यह बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का किहड़ा नारा बीजेपी सरकार ने मारिया सी, जिदे विच कुड़ियां नू, यह नौजवान कुड़ियां अज जे बोलदी आ, इन्ना कमजोर प्रधानमंत्री इस देश का भी एक कुड़ी की आवाज़ तो डर के एक मजदूर की बेटी नू, जिहड़ा बंदा खुद मजदूर सी, चाह वेचदा सी, उन्हें लोगों नू लगदा सी भी मजदूर नू प्रधानमंत्री बनाउने आ ते इन्हें कल नू साडे हक च खड़ना, पर वह बंदा जाके बड़े बड़े पूंजीपतियां दे हक्कां च खड़िया ते मजदूरां दीआं कुड़ियां नू उन्हें जेल च सुट्टता, चाके मजदूरां दे बच्चियां नू आपस च दोफाड़ करता, मजदूरों के बच्चों उत्ते टॉर्चर कर रहा। सो ऐसे प्रधानमंत्री जिहड़ा एक छोटिया छोटिया भी बई बई साल दीआं कुड़ियां तो डर रहा है, असी उहदे बारे की शब्द बोलीए। अज असी इत्थे जेल के बाहर खड़े हाँ, साडा संविधानक हक आ कुड़ी नू मिलना, असी तो एक पार्टी नू बिलोंग करदे हां, जे एक आम बंदा भी एप्लीकेशन लैके आउंदा तां उहदा हक आ कि उह जाके जेल के कैदी नू मिल सकदा, पर ना तो पता नहीं वह कुड़ी उत्ते शरीरक वह कुड़ी इल्ज़ाम जिहड़े बाहर आ रहे हैं कि शरीरक शोषण के, क्यों डर रहे ने, क्यों नहीं वो कुड़ी नाल किसी की वार्तालाप कर देंगे, कि तुहानू डर आ कि तुहाडियां पोलां खोल दूगी जे असी मिलन गए, कि तुहानू यह डर आ भी जिहड़ा अंदरों ते तुसी टॉर्चर किया वो साढ़े सामने आजूगा। सो गल ये आ भी ये मरे हुए लोकतंत्र, ये गुंडागर्दी वाली सरकार, ये हरियाणे की रद्दी सरकार, खट्टड़ सरकार, मैं तो यहोजा जालम बंदा ही नहीं वेख्या जिहड़ा इस तरीके औरतों पर तशद्दुद ढा रहा, इहोजा बुजदल इंसान नहीं वेख्या, तैनू औरत ने ही जन्म दिता। मैं कहनी हाँ, मैं वो पुलिस मुलाजमान नू कहनी हाँ जिहड़े लीडर दी मानते ने भी भरावो जिहड़ियां वर्दियां ते तनखाहां ये लोग देंदे ने ये लीडर नहीं देंदे, लीडर दे भी सारा जिहड़े लोग टैक्स भरदे उत्थे ही आउंदे, जदों तुसीं वर्दी पाउंदे हो ना संविधान की सहुं खाने हो, तो लोगों की सेवा करन की सहुं खाने हो, जे लीडर का गलत आदेश आउंदा चैलेंज करो कि अहीं नहीं मानते किसी लीडर की, असीं लोगों की सुणांगे। सो अज ब्रे
ब्रेकिंग न्यूज रास बसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, EDC, IDC फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक करें।